राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन इसके ऊपर बयानबाजी अब भी जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादास्पद बयान एक बार फिर से दिया है। उन्होंने कहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ जाती है तो क्या इससे मुर्दा जिंदा हो सकता है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को ढोंग और आडंबर बताया। तो बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो शुरू से लेकर के अब तक राम मंदिर और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग समय पर आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ से विवादास्पद बयान दिया गया है। वो आडंबर और ढोंग बता रहे हैं पूरी प्राण प्रतिष्ठा को। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विभाजन डिबेट में भागी जी, उन्होंने कहा, संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है। तो विवादास्पद बयान, आपत्तिजनक बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या है वो भी आपको बता देते हैं। गौर कीजिएगा, जो सवाल खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरह से ढोंग है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर क्या सजीव हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर प्राण प्रतिष्ठा से मुर्दे आखिर क्यों नहीं चल सकते, उसमें भी जान फूंक दो, मुर्दा भी चलने लग जाएगा। फिर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भगवान को प्राण दे रहे हैं। ये सारा आपत्तिजनक बयान एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है, अगर पत्थर में जान आ सकती है तो मुर्दे में भी जान आ सकती है, मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है, प्राण प्रतिष्ठा मुर्दे में भी कर दो वो भी चलने लगेगा। और पूरा अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो ढोंग और आडंबर, ये भी कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और उधर कांग्रेस नेता उदित राज ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है, जबकि बीजेपी ने राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर पलटवार किया। दुनिया में एक ही जगह ऐसा है जहां पत्थर में प्राण डाला जाता, जान डाला जाता है, ये तो आश्चर्य है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव हो पाई है। ये धार्मिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। विपक्ष का एक ही मुद्दा है कि किसी भी प्रकार सनातन धर्म को, भगवान राम के साथ जो जुड़ी लोगों की आस्था है, उसको चोट पहुंचाना ही इंडी गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है। और उधर राहुल गांधी ने कहा है कि देश में कोई राम की लहर नहीं है, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तो राम को काल्पनिक बताने वाले भी श्री राम की शरण में आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया। जो राजनीतिक दल भगवान राम को ही काल्पनिक बताते थे, राम सेतु पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते थे, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को भी राम जी की शरण में आना ही पड़ा।